Good morning, students. Today we will start our first chapter, that is the last lesson. ये हैं हमारे author Alphonse Daudet, 1814 to 1897. इनका लाइफ टाइम था. वॉज अ फ्रेंच नावलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. ये एक छोटी छोटी कहानियाँ लिखने वाले और एक फ्रेंच नावलिस्ट थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वॉर 1870 to 1871, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रूशिया लेड बाई बिस्मार्क. ये एक फ्रांस और प्रूशिया के बीच की वार की कहानी है जो कि 1870 to 1871 के बीच में लिखी गई हुआ था. प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ वॉट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. इन दिस स्टोरी द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स. इस कहानी में जो हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट थी फ्रेंच की, दैट इज़ अलास एंड लॉरेन, वो हमारी प्रूशियन जो कंट्री थी उनके हाथों में चली गई थी. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट वट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. ये स्टोरी पढ़कर हम ये देखेंगे, ये पता करेंगे कि इस बार का जो ये स्कूल था इसके ऊपर क्या इफेक्ट था. यस स्टार्ट. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग. उस दिन विद्यालय के लिए सुबह मैं देर से चला था और मुझे डर था कि मुझे डांट पड़ेगी. स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. मतलब इसलिए कि मिस्टर हैमल ने मुझे कहा था कि वो हमें पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बारे में मैं पहला शब्द भी नहीं जानता था. फॉर अ मोमेंट, कुछ टाइम के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. मतलब मेरे मन में विचार आया कि मैं दूर भाग जाऊं और कहीं बाहर जाकर खुले वातावरण में दिन को व्यतीत करूं. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. बहुत ही गर्म और सुहावना था और धूप निकली हुई थी. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे, वन के किनारे पर चहचहा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और आरा मिल के पीछे खेत में प्रूशिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे. बट इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ आवर पार्टिसिपल्स. ये ज़्यादा आकर्षक लग रहा था पार्टिसिपल्स के नियमों से. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. मतलब मुझ में इतने आत्मसंयम की शक्ति थी और मैं विद्यालय की तरफ दौड़ पड़ा. ठीक है, मतलब आत्मसंयम की शक्ति, मतलब इसमें यह है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता था. मुझे वो बेशक से अच्छा लग रहा था, बट स्टिल मैं फिर भी अपने स्कूल की तरफ चला. व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. जब मैं टाउन हॉल से जा रहा था तो मुझे बुलेटिन बोर्ड के पास कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी. फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. कुछ सालों से वहाँ पर सिवाय बुरी न्यूज़ के कुछ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ बुरी न्यूज़ ही हमें सुनाई दे रही थी. लास्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर फॉर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग. मतलब कि युद्ध में हार, सेना में भर्ती, सैनिक अधिकारी के आदेश, वट कैन बी द मैटर नाउ. मैंने बिना रुके अपने आप से सोचा, अब क्या बात है. देन एज आई हर्ड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रिशियंस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बर्ब, यू विल गेट टू यूर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. फिर जब मैं बहुत तेज भाग रहा था तो लोहार ने, जो कि पीछे अपने कुछ शागिर्द यानी कि जो उसके साथ काम करने वाले थे, वो सूचना बोर्ड को पढ़ रहे थे और मुझे पीछे से आवाज़ देकर कहते हैं कि इतनी जल्दी मत भागो, तुम्हारे पास स्कूल पहुँचने के लिए अभी बहुत सारा टाइम बचा है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच मिस्टर हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है और मैं एम हैमल के छोटे से बाग में हाफते हुए पहुँच गया. यूजली वेन स्कूल बिगेन देर वॉज अ ग्रेट बस्टर विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स
over our ears to understand better, and they counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day, everything had to be as quiet as Sunday morning. अक्सर जब विद्यालय शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का शोर होता है, शोर जैसे कि सड़क पर सुनाई देता था। डेस्कों को खोलना और उनको अंदर करना, अपने हाथों को कानों पर रखकर सबका एक साथ मिलकर पाठ को जोर से दोहराना ताकि हम पाठ को ठीक तरीके से समझ सकें, और मेज पर अध्यापक के डंडे का खटखटाना। लेकिन अब सब कुछ चुपचाप था। ये सब वो आवाज़ें होती हैं जो नॉर्मली सभी स्कूल्स में आती हैं, लाइक जिसे टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे रिपीट करते हैं बार बार। बच्चे को चुप करवाने के लिए टीचर डेस्क पर स्केल को मारते हैं, खटखट की आवाज़ जो आती है। बच्चे बैठते हुए डेस्क को हिलाते हैं, कभी आगे कभी पीछे। यूँ उस तरह की आवाज़ें भी बात कर रहा था कि उस दिन मुझे कोई भी ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क। मतलब आज मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ चुपचाप था, और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास था कि बिना किसी को देखे उस शोर में मैं अपने डेस्क तक पहुँच जाऊँगा। यस, आगे है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सब कुछ ऐसा शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। थ्रू वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड मिस्टर हैमर वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। कि मैंने झांकी में से झांक कर देखा तो मेरे सारे सहपाठी अपनी अपनी जगह पर पहुँच चुके थे और भयानक सा डंडा उसकी अपनी बगल में दबाकर एंड हैमर इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मैं सबके सामने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना चाहता था। मैं इतना लज्जित व डरा हुआ था, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रेटेंड आई वाज, कि मैं कितना लज्जित और डरा हुआ था, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो डरा हुआ इसलिए था क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स का टॉपिक तैयार नहीं था जो कि मिस्टर हैमल ने उसको दिया था, और लज्जित इसलिए था क्योंकि वो थोड़ा सा लेट था। ठीक है, बट नथिंग हैपन्ड। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मुझे देखकर एम हैमल ने बहुत ही दयालुता से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रेंड्स। लिटिल फ्रेंड्स, वी आर बिगनिंग विदाउट यू। तुम्हारे बिना ही हम पाठ शुरू करने लगे थे। आई जंप ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं फटाफट बेंच की तरफ भागा, छलांग लगाए और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट हैज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटल ब्लैक सिल्क कैप एंड ऑल embroidered that he never wore except on inspections and prize days beside the hall and prize days। मतलब मेरा डर फिर भी दूर नहीं हुआ था। तब मैंने ये देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर सा हरा कोट, झालरदार कमीज, काली कढ़ाईदार छोटी रेशमी टॉपी पहनी हुई थी जिन्हें वह कभी भी नहीं पहनते थे। Besides, the hall school seemed to so strange and solemn कि सब कुछ इतना मतलब कि एकदम से अजीब था, सिवाय निरीक्षण और पारितोषिक दिनों के। ठीक है, मतलब कि वो जो पहन कर आए थे उन्हें हमेशा तब पहनते थे, या तो एनुअल डे फंक्शन होता था तब, या फिर कुछ स्पेशल डे होता था उस दिन एग्ज़ाम डेज में जब किसी को प्राइज देना होता था। बट आज वो ये ड्रेस पहन कर आए हैं इसलिए थोड़ा सा उसको अजीब लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी The village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, the several other besides। विद्यालय में मतलब अजीब और गंभीर दिखाई दे रहा था, लेकिन ये देखकर मैं बहुत हैरान हो गया था कि पीछे के बेंच जो हमेशा खाली पड़े रहते थे उन पर हमारे तरह गांव के लोग चुप बैठे हुए थे, जैसे कि कोई बुजुर्ग अपने तीन कोण वाली टोपी पहने हुए था। पूर्व मेयर था, जो पहले मेयर था उस वहाँ के उस टाउन का, पहले वाला जो पोस्ट मास्टर था, और भी कई सारे लोग थे। ठीक है, एवरीबडी लुक सैड, सब बहुत उदास दिखाई दे रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थंब एट द एजेस एंड ही हैल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज़
with his great spectacles lying across the pages. कि सारे उदास दिखाई दे रहे थे और बुजुर्ग हौसर अपनी पुरानी पहली किताब अपने साथ लेकर आया था जो कि उसके अंगूठों से किनारों पर मैली हो गई थी और उसे अपनी गोद में यह खोल कर रखी हुई थी कि उस पर उसका चश्मा पड़ा हुआ था. After that, while I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब ये सब देख कर मैं हैरान हो रहा था, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे और उसी गंभीर व शांत स्वर में जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किया था, वो बोले, मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा. The order had come from Berlin to teach only German in the schools of Flask and Lauren. मतलब बर्लिन ने यह हुक्म दिया है कल्सस और लॉरेन में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी. मतलब सिर्फ जर्मन के अलावा कुछ और नहीं पढ़ाया जाएगा. कल नया अध्यापक आ जाएगा. This is your last French lesson. ये तुम्हारा आज फ्रेंच का आखिरी पार्ट है. I want you to be very attentive. मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए. What a thunder clap these words were to me. मैं इन शब्दों से एकदम से हैरान हो गया था. थंडर क्लैप यानी कि हैरान हो गया था, अचानक से हैरान हो जाना. Oh, the wretches. That was what they had put up at the town hall. Oh, उन दुष्टों ने टाउन हॉल में यही सूचना लगा रखी होगी. मतलब कि वो जो आया था ना, जो टाउन हॉल के सामने काफ़ी भीड़ उसको दिखाई दे रही थी, वो बुलेटिन बोर्ड पर कुछ पढ़ रहे थे, तो वो भी सोच रहे कि शायद यही सूचना उन्होंने लिखी हुई थी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई वुड नेवर लर्न एनी मोर. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्टार्स. माई बुक दैट हैड सीन सच अ नॉइजेंस अ वाइल अगो. So heavy to carry, my grammar and my history of the sands were old friends now that I could not give up. मेरा फ्रेंच का आखिरी पार्ट अभी तो मुझे ठीक तरह से लिखना भी नहीं आता. मतलब I hardly know how to write. मुझे अभी तो ठीक से लिखना भी नहीं आता. I should never learn any more. मतलब मुझे कितना मुझे अब यही आगे करना पड़ेगा. मुझे आगे और नहीं पढ़ना चाहिए. I should never learn anymore. मुझे आगे नहीं पढ़ना चाहिए. I must stop there then. मुझे अभी यहाँ पर रुक जाना चाहिए. तो मतलब मुझे यहाँ पर अभी रुकना ही पड़ेगा. Oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking words, eggs or going sliding on the stars. My books that had seemed such a nuisance a while ago. That means कि मैंने इसलिए पाठ नहीं पढ़े थे कि मैं पक्षियों के अंडों को ढूंढ सकूँ या सार में स्लाइडिंग कर सकूं, ठीक है. माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ नॉइजेंस अ वाइल अगो. मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे मुसीबत लगती थी. नॉइजेंस यानी कि मुसीबत लगती थी. सो हैवी टू कैरी. उन्हें उठाना कितना भारी लगता था. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स. मेरी व्याकरण और मेरे संतों का इतिहास. एंड वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. And Mr. Hamel threw the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. मतलब कि मेरे पुराने दोस्त बन गई थी वो किताबें और जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता था. और मिस्टर हैमल भी ये सोच कर कि अब वे जा रहे हैं, उनसे भी मैं कभी नहीं मिल पाऊँगा. उसके डंडे और वो खुद कितने गुस्से वाले थे, ये सब मैं भूल गया था. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village were sitting there in the back of the room. Bechara wo aadmi, usne is aakhri paath ke samman mein itwar ko pehenne wale apne sundar kapde mein matlab pehen rakhe the, aur ab bhi vah ye nahi samajh, ab vah ye bhi samajh gaya tha ki gaon ke buzurg aadi kamre ke piche kyon baithe the. Sitting there in the back of the room, it was because they were sorry too that they had not gone to school more. क्योंकि उन्हें भी ये दुख था कि विद्यालय में और ज़्यादा वो क्यों नहीं गए थे. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was there
way of thinking. Our master, for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country, that was theirs no more. मतलब कि उनकी 40 साल की ईमानदारी की सेवा का धन्यवाद करने और जो अब उनका नहीं था उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का उनका ये सही तरीका था. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. जब ये सब कुछ मैं सोच रहा था तो मैंने अपने नाम को बुलाते हुए सुना. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake. मतलब अब मेरी बारी थी सुनने की और सुनाने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार हो गया था. तेज़ और साफ शब्दों में पार्टिसिपल्स के उस भयानक नियम को सुनाने के लिए. वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट एनी मिस्टेक, वो भी बिना किसी गलती के. बट आई गॉट मिक्स अप वन ऑफ द फर्स्ट वर्ड्स दैट स्टूड देयर हॉलिंग ऑन टू माई डेस्क. माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. लेकिन पहले ही शब्द में मैं तो अटक गया था और अपने डेस्क पर पकड़ कर खड़ा हो गया था और मेरा दिल धड़क रहा था और अपनी नज़रों को ऊपर उठाने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी. जैसे किसी बच्चे को कुछ पूछा जाए और उसको जब वो नहीं आ पाता तो उस टाइम जो उसके अंदर एक शर्म आ जाती है, उसकी वजह से उसकी नज़रें जो थी नहीं उठ पा रही थी किसकी, मिस्टर फ्रेंड्स की. आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने एम हेमल को मेरे से कहते हुए सुना. आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा. सी हाउ इट इज़, देखो ये बात. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वाह आज तो मेरे पास बहुत सारा वक्त है. आई विल लर्न टू इट टमोरो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो अब हम कहाँ पर आ गए हैं. मतलब कि वो कहीं जा रहे हैं, वो बोलता है कि देखो हम कहाँ पर आ गए. आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द लास्ट शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टमोरो, वाह मेरे पास बहुत सारा टाइम है और देखो हम कहाँ पर आ गए हैं, हम इसे कल पढ़ लेंगे. अल्साज के साथ ही यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है कि वह अगले दिन पर सीखना टालती रहती है. मतलब कि जो टाउन है अलास्क, वहाँ के लोगों का जो एक मेन जो फंडा बन चुका है कि वो एट ए टाइम काम ना करके उसे अगले दिन पर टाल देते हैं. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉट राइट योर ऑन लैंग्वेज. ओह अलास्क, यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है. अब उन बाहर के लोगों को तुम्हें यह कहने का अधिकार होगा. क्या बात है, तुम मतलब कहते हो कि तुम फ्रांस के लोग हो परंतु फिर भी तुम अपनी भाषा नहीं बोल सकते हो. बट यू आर नॉट इन द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवरसेल्व्स विद. लेकिन तुम्हारी स्थिति सबसे ख़राब नहीं है बेचारे छोटे फ्रेंच, हम खुद को बहुत सी बातों के लिए धिक्कार सकते हैं. तो बेटा आप आज इतना ही चैप्टर कर लीजिए, आई थिंक आपसे इतना ही होगा, ठीक है. इसके बाद बाकी का हम कल स्टार्ट करेंगे. और इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं, यहाँ तक जो क्वेश्चन आंसर्स निकलते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा उसमें मैं आपको बता दूँगी. टिल देन बाय.